ओहरी में सीएमओ की उदासीनता से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर बना, औपचारिक प्रचार प्रसार के अभाव में खाली पड़ी रही कुर्सियां, जानकारी लेने के लिए यहां वहां भटकते नजर आए लोग। शिवपुरी जिले के पोहरी नगर परिषद में गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के आयोजन में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। नगर परिषद सीएमओ की उदासीनता के कारण शिविर का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों को इस शिविर का लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ के लोग अभी शिविर के आयोजन के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिले की पोहरी नगर परिषद की ओर से गुरुवार को शहरी विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में यह शिविर औपचारिकता में सिमट कर रह गया। शिविर के पहले जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुंचे और शिविर में कुर्सियां खाली पड़ी रही। वहीं नगर परिषद के अधिकारी कुछ समय रुकने के बाद रवाना हो गए। शिविर को लेकर नगर परिषद सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन कलेक्टर साहब के आदेश से हुआ है, इसलिए उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी सूचना देना जरूरी नहीं समझा। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और पात्र व्यक्तियों का किया जाना था पंजीकरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान भारत योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना आदि के बारे में जागरूक किया जाना था। वहीं इस शिविर में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाना था, लेकिन सीएमओ की उदासीनता के कारण शिविर औपचारिकता में सिमट कर रह गया। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका लोकेंद्र साहब। तो कौन से वार्ड में रहते हो आप? वार्ड क्रमांक 11। तो आज जो पौरी नगर परिषद की ओर से भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, क्या आप लोगों को कोई सूचना उसकी? नहीं नहीं, हमें अभी तक कोई सूचना नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई समस्या वगैरह थी क्या आप लोगों की? समस्या थी, जब हमको सूचना होती तो वहाँ जाके हम उन्हें बताते, तमाम समस्या है जैसे कि पानी है, खरंजा है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। यदि हमको सूचना होती तो हम जाके उनसे बोलते। क्या आपको कोई अभी तक कोई कुछ लाभ नहीं मिल पाया? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई लाभ नहीं मिला हमको। तो क्या अब आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपको? अभी हमारा ये चल रहा है कि यदि भारत विकसित में बुलाते तो हम अपना प्रस्ताव रखते, अभी उन्होंने सूचना ही नहीं दी तो अभी क्या बताएं। नाम है आपका? तो आप कहाँ पे रहते हो? नगर परिषद में, अपना वार्ड क्रमांक 2। तो मैं, क्या आपको आज भारत विकसित संकल्प यात्रा पौरी नगर परिषद की ओर से आयोजन हुआ था, क्या आपको उसकी जानकारी है? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है इसकी हमें, ना कोई सूचना मिली हमें आज इसकी। अच्छा, क्या कोई समस्या वगैरह थी आपके वार्ड में? सर बहुत है, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो हम आए भी हैं, दो चार बार आए, कोई निराकरण नहीं होता, हो जाएगा वो चीखे के चले जाते हैं। कोई आज कोई जानकारी वैसे नहीं मिल पाई? कोई जानकारी नहीं है, कोई हमको इसका वो भी नहीं है, कैसी क्या योजना चल रही है, क्या लाभ क्या ले। मतलब मोदी और मोहन यादव जो उनकी योजना को पलीता लगा रही है नगर परिषद? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राम लखन जाटव। कहाँ के निवासी हो? पौरी, वार्ड क्रमांक 6। तो आज जो पौरी नगर परिषद की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, क्या आपको उसकी जानकारी है? नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्या कोई समस्या वगैरह कुछ आपकी थी क्या? सही है, समस्या रोड की है, पानी की है, कोई कोई निराकरण नहीं है। तो हमारे आज हमें जानकारी होती है, हम इकट्ठे होकर आते और वैसे दुनिया भर के भोंपू लगा के बजाते हैं, बाजार में ऐसा होगा वैसा होगा, आज कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हो आप? आज पोहरी नगर परिषद द्वारा भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ था, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम आफाक अंसारी और मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूं पोहरी से। रहा सवाल विकसित संकल्प यात्रा जो कि भाजपा के ढकोसले वाली यात्राएं कईयों चली, चाहे विधानसभा चुनाव से उनकी यात्रा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद में, हर तरफ अगर देखा जाए तो मोदी की सिर्फ गारंटी एक झूठ का पिटारा है। 2014 से जब से इनकी लोकसभा सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी, तब से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला है, जनता के साथ छलावा किया है। आज तक उन्होंने अपने पूरे वादे, तो पूरे जो वादे किए थे वो तो निभाए नहीं है। और तो और हर गांव में, और आज हमारे सामने मामला आया है कि संकल्प विकसित भारत जो इनका एक यात्रा चल रही है वो पौरी में आयोजन था, नगर परिषद ने ना किसी को सूचना दी, आमजन को सूचना, क्योंकि ये यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो इसमें जनता की समस्याओं का हल भी होना चाहिए, ना तो जनता की समस्याओं का हल किया जा रहा है। चारों ओर सिर्फ लीपापोती करके, बड़े बड़े टेंट लगा के, बड़े बड़ा भुगतान कर देना इनकी फितरत है। और निश्चित रूप से चाहे ये कितना भी झूठ का पिटारा भर लें, कितनी ही सरकार बना लें, जनता इनके पक्ष में नहीं है, और निश्चित रूप से एक दिन नया सवेरा खुलेगा और निश्चित रूप से इनकी हार होगी।